दोस्तों कश्मीर से हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त मोहम्मद साद भाई की तरफ से बहुत ही खूबसूरत वैरायटीज़, बहुत ही खूबसूरत फ्रूट प्लांट्स की कटिंग्स का तोहफा मिला है। इसके अंदर काफ़ी सारे फ्रूट प्लांट्स की कटिंग्स हैं, क्योंकि अभी मार्च का महीना चल रहा है। मार्च के महीने में, फेब के महीने में हम बहुत ईज़ीली जो फ्रूट देने वाले सख्त लकड़ी वाले दरख्त होते हैं उनकी कटिंग्स को बहुत ईज़ीली ग्रो कर सकते हैं। इनमें जो मुझे कटिंग्स रिसीव हुई हैं उसके अंदर आलू बुखारा है, आलू बुखारा की 4 से 5 वैरायटीज़ हैं, खुबानी की 4 से 5 वैरायटीज़ हैं, नाशपाती की 2 से 3 वैरायटीज़ हैं, बादाम की 2 वैरायटीज़ हैं, सेब की, एप्पल की 2 से 3 वैरायटीज़ हैं, काला कुल्लू सेब है और एक और किंग एमरे के नाम से एक वैरायटी है, बहुत खूबसूरत वैरायटी हैं दोनों। और माशाल्लाह सभी की हालत बहुत अच्छी है। कटिंग मुझे कल रिसीव हुई थी, क्योंकि कश्मीर से कट के 1 से 2 दिन लगते हैं आने में, तो मैंने इनको कुछ टाइम के लिए पानी में भिगो के इस तरह से रख दिया था। तो आज इंशाल्लाह मैं इन सबको ग्रो करूँगा। नाशपाती को हम कटिंग से ग्रो नहीं कर सकते, ये कटिंग से ग्रो करना इसको बहुत मुश्किल होता है, हम इसको ग्राफ्ट कर लेंगे। और जो बाकी प्लांट्स की कटिंग्स हैं, जैसे ये आलू बुखारा है और खुबानी है, ये लाहौर में कटिंग अच्छे से ग्रो होती है या नहीं, या लाहौर में ये फ्रूट देते हैं ये नहीं, इंशाल्लाह ये हम ग्रो करके ही देखेंगे। क्योंकि मैंने इससे पहले ना तो प्लम को ग्रो किया है कटिंग से, ना ही मैंने एप्रिकॉट को ग्रो किया है कटिंग से, तो इंशाल्लाह इस वीडियो इनके ऊपर सेपरेट एक वीडियो रेडी होगी। हर एक कटिंग के ऊपर हम एप्पल को किस तरह से कटिंग से लगा सकते हैं, बादाम को किस तरह से कटिंग से लगा सकते हैं, एप्रिकॉट को और प्लम वगैरह को कटिंग से किस तरह से लगा सकते हैं, इंशाल्लाह सेपरेट सेपरेट वीडियो सबके ऊपर आएंगी। कटिंग को ग्रो करने से पहले अगर वो दरख्त से कटे हुए, उनको 1 से 2 दिन का टाइम हो गया हो, तो उनका बेहतर ये रहता है कि हम उनको लगाने से पहले उसको कम से कम 12 से 18 घंटे के लिए पानी में इस तरह से भिगो कर रख दें, ताकि जो कटिंग की मॉइस्चर जो है वो कम ना हो और वो कटिंग लगाने के बाद अच्छे से सर्वाइव कर जाए। अभी आप ये इसके ऊपर देख रहे हैं काफ़ी सारे फूल निकल रहे हैं, मतलब मेच्योर दरख्त की ये कटिंग है और उनके ऊपर फ्लावरिंग हो रही थी, तो इंशाल्लाह हम ये फ्लावर उतार के इनको कटिंग ग्रो करेंगे तो जल्द ही हमें ये अच्छा रिज़ल्ट भी देंगी। साद भाई का शुक्रिया जिन्होंने बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी वैरायटीज़ की हमें ये कटिंग्स गिफ्ट की।